जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इस वायर को रिमूव करना है, पर इसमें जो एक छोटा सा लॉक है जो खींचने पर निकल रहा नहीं और हटाने पर हट रहा नहीं, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा कट कर दूं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सी एक ब्लेड लेके थोड़ा सा कट किया था, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, पर इसे काम चल जाएगा। पहले मैंने सजेस्ट किया था ये वाला वायर जो पानी का वायर होता है ये वायर, पर मुझे ये थोड़ा बेकार लगा क्योंकि जब हम इसे खींचेंगे ना तो ये थोड़ा सा बेंड होते होते कहीं पे कट गया ना तो प्रॉब्लम होगी, कहीं टचिंग होगा तो उसे अर्थिंग मिल जाएगा वहाँ पे, शॉर्ट सर्किट होने की प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा एक अच्छा क्वालिटी वाला वायर लाऊं, तो मैंने इस वायर को सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें जो है ऊपर से प्लास्टिक से पूरा प्रोटेक्टेड है, जो वायर पूरा प्रोटेक्टेड है, अंदर ये दो छोटे से वायर हैं और ये छोटे ये दो वायरों से अपने को और एक प्लेस पॉइंट है जो, क्योंकि इससे करंट कम लगेगा, मतलब अगर वायर मोटा है ना तो उससे क्या होगा करंट थोड़ा ज़्यादा खींचेगा, तो अगर वायर बारीक है ना तो उससे अपने करंट भी कम लग जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा कम होगी और बिल भी थोड़ा कम आएगा। तो इसके लिए मैं ये वायर सजेस्ट करूँगा, ये बस काफ़ी है, इतना बड़ा है तो बस चल जाएगा, इससे अपना काम निकल जाएगा। उसके बाद जो हमें प्रोसेस करना है, यहाँ पे एक जो वायर है यहाँ पे छोटा सा मैंने लगाया था, यहाँ पे जो मैंने छेद लगाई थी इस वायर को, और हमें करना है ये जो निकाला हुआ वायर को हम दोनों को इसे दोनों को दो वायर से अटैच कर देंगे और इस ये जो कपलर है ना ये कपलर को हम कपके वैसे लगा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो एक ब्लैक वायर इसे कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो अच्छे तरह तरह से कनेक्ट हो चुका है, इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि और एक जो कपलर है ना इसे फुली प्रोटेक्टेड है, इसमें जो है प्लास्टिक साइड्स को है और कोई टच होने की चांसेस नहीं है, तो हमने इसे ऐसे ही रहने देते हैं और इस वायर को यहाँ पे थोड़ा सा टेप करके और पीछे से ले लेंगे। और अपना जो कनेक्शन था वो हो गया कंप्लीट, जो कि मैंने ब्लैक वायर को यहाँ पर दी थी इसे फुली प्रोटेक्टेड कर दी है और वाइट वायर को यहाँ पर दी है, जो कि मैंने इसमें से जो वायर रिमूव किया था उस वायर को यहाँ पर बाहर लेके इसमें से रिमूव कर दे के बाहर लेके इसे बाहर ही रहने दूंगा और इसे यहाँ पर टेप कर दिया है। अब इसको हम करना है ये कपलर को कनेक्ट, जैसे अपना ये जो कपलर कनेक्ट हो गया है, जैसे अपने कपलर कनेक्ट हो गया है मैं इसको फुली प्रोटेक्टेड कर दिया है, यही लबर से जो कंपनी से आया था वही लबर से इसमें, अभी जो इसमें सारा जो फिक्स हो चुका है और वायरिंग जो इसकी है यहाँ पर जो कंपनी से वायरिंग हुई थी वही वायरिंग यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, अब हमें इसके अंदर से लेना है और सामने की ओर भेजना है, तो यहाँ तक जो है सब कुछ ओके रिपोर्ट हो गया है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो हैंडल आता है वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि ये जो है लाइट्स को कनेक्ट करने नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं रिमूव कर दिया है, वैसे फिट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप जहाँ से वायर जानी थी उधर से वायर जा रहा नहीं, क्योंकि ये जो पेट्रोल टैंक है वो थोड़ा बीच में चीजेस के बीच में से जाना था वायर को, तो मैंने सोचा पेट्रोल टैंक को भी रिमूव करना पड़ेगा। पेट्रोल टैंक को रिमूव करने से पहले आप ये ज़रूरत ध्यान रखें कि इधर जो एयर फिल्टर का होता है इधर जो बैटरी का होता है तो दोनों साइड के जो कैप्स होते हैं उनको रिमूव कर दें, और रिमूव करने के बाद जो भी उसके नट बोल्ट्स है वो सब फिर उसको ही लगा दें, क्योंकि अगर आप ऐसे जगह आप ऐसे कुछ फेंक देंगे ना तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ जो नट आता है यहाँ पर और यहाँ पर इन्हें वहीं पर रखने वहीं पे रहने दें ताकि वो फिर से चले ना जाए। और पेट्रोल टैंक को रिमूव करने के लिए पहले आपका जो पेट्रोल होता है ना इसको टर्न ऑफ कर दीजिए, और टर्न ऑफ करने के बाद ये जो मेन पाइप होता है जो पेट्रोल पहुंचता है कार्बोरेटर में उस पाइप को निकाल दीजिएगा, उस इस पाइप को निकाल देने के बाद अदर साइड आपको और एक पाइप दिखेगा, जो दूसरी साइड का जो मैंने पाइप बताया था उसको उस पाइप को मैंने रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने के बाद जो है वो दिख रहा नहीं था वीडियो में इसलिए मैंने उसे बाद में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है ये वायर जो आता है ना यहाँ पर ये जो कपलर है ना इसे भी हमें रिमूव करना है, क्योंकि ये जो कपलर है पेट्रोल का जो रीडिंग बताता है ना हमें कितना गाड़ी में पेट्रोल है वो रीडिंग का कपलर है, इसे हमें रिमूव कर देना है। ये जो टैंक से कनेक्ट होकर रहता है ये देखिए, अब ये जो कपलर है ये भी रिमूव हो चुका है और पेट्रोल भी ऑफ हो चुका और दोनों पाइप्स डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अब हमें रिमूव करना है टैंक को, बड़े आराम से रिमूव करते हैं। और हमने जो है सक्सेसफुली टैंक को रिमूव कर दिया है, रिमूव करने के बाद मैं आपको वो जो पाइप दिखाऊंगा जो मैंने रिलीज से निकाली थी
यही वो पाइप था जो मैंने बाद में निकाल दी थी, और ये वो पाइप है जो हेड देता है। कुल मिला के होगा 1, 2, 3 और 4, जो है फोर्थ का जो है वो कप। ये 4 रिमूव होने के बाद हमें करना है यहाँ से वायर फिर से कनेक्शन, जो यहाँ तक आकर जो रुक गया था वायर, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है यहाँ पर और सीधे जाने देना है हैंडल तक। ये काम जल्द से जल्द कर देते हैं। हमारा जो वायर था जो कि यहाँ पर आके रुक चुका था, ये जो है यही जो कंपनी से जो वायर पीछे तक आया वही वायर को फॉलो अप करते हुए यहाँ से सीधे आकर यहाँ पर आके और यहाँ तक आके रुक चुका है। उसके बाद जाएगा हैंडल में और यहाँ पर जो है सक्सेसफुली पूरा जहाँ भी थोड़ा सा गैप आ चुका वहाँ पर मैंने टेप कर दिया, देख सकते हैं आप, टेप कर दिए ताकि वायर कहीं जाए ना और किधर हिले ना। और हमें करना है, मैं एक तो ये चीज़ देख कर हैरान हूँ क्योंकि गाड़ी इतनी नहीं है, धूल देखिए आप, धूल तो बहुत ही ज़्यादा है। और मैं कर दूँगा क्योंकि बार बार खोलने की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसे साफ़ करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ भी धूल है वह सब साफ़ कर देके फिर से मैं टैंक को बिठा दूँगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने तो अभी फ़िलहाल टैंक को बिठा दिया और कनेक्शन जो जो भी है वह सब दे दिया है मैंने। यहाँ पर जो पेट्रोल स्विच ऑफ था उसे ऑन कर दिया, और जो है उधर इधर एक पाइप आता है छोटा सा, आपको रिमूव करने पर दिख जाएगा। मैं ये वीडियो में मेंशन करना चाहा पर मैंने भूल गया था। तो जो बीच का एक पाइप था और यहाँ पर एक पाइप था, वो दोनों को भी मैंने कनेक्शन दे दिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक नट आएगा, उस नट को फिक्स कर देना है। चलो ओके भाई, ओके रिपोर्ट की, ओके। यहाँ पर जो है फीडिंग बता रहा है वो भी ओके। और यहाँ पे जो पेट्रोल सप्लाई है वो भी ओके, और यहाँ पे एयर इनटेक सब ओके। उसके बाद हमें ये बंद कर देना है। और जो जो कि यहाँ पर और उधर का, और एक बात, क्यों ना हम इसे एयर फिल्टर को भी साफ कर दें, इतना तो सब खोज खोल दे चुका है, साथ ही साथ एयर फिल्टर भी साफ़ करेंगे। ये होगा हमारे गाड़ी का एयर फिल्टर जो कि यहाँ पर रहता है, इसे हम क्लीन कर देंगे और साथ ही साथ इसे भी हम क्लीन कर देंगे एयर फिल्टर को। क्लीन करने के लिए हमारे पास एक ऐसी कुछ मोटर है जो हमें एयर फिल्टर करने के लिए काम में आती है। ओके गाइस, सब यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका, ये फिट हो चुका, और यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ का जो भी है ये भी कंप्लीट हो चुका है और ये भी कंप्लीट हो चुका है। सारी फिटिंग एकदम क्लियर, टोटल क्लियर, नथिंग इज मेन। उसके बाद हमें खोलना है सामने का वाइजर, जो ये पार्ट, इसे हम खोलकर इसके अंदर की वायरिंग जो जो भी है आपको अगले वीडियो में पूरा क्लियर एकदम बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो का जो जो भी मिनट है ज़्यादा हो चुका है।